अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, बस अभी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, ठंड भी स्टार्ट हो गई है, ठंड भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। तो अभी ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं। सुबह बस पहुँच गया था और अभी बैठे हुए बस काम कर रहे थे। ऑफिस का भी थोड़ा फ्री हुआ, मैंने कहा मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की है, तो बस वीडियो हम मैंने कहा चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सुनाए, आप लोग कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। ये बच्चा ये कहवा बेच रहा है, बड़ा अच्छा बच्चा है। देखे नजर स्कूल था बोली पसो खर्च है ये प्याली पसो था। हाँ सरिता सर खत्म चुका हुआ यश्ता हाँ सहसौ बजे उसे तो काबे ना हाँ तो सेकंड शिफ्ट के स्कूल ही गना दोपहर टाइम के सके दोपहर के जो चिल्लाया वो काबे हर सकम मैं को कलेक्ट बैन है सेम और वैसे मां खाम फी दगा दगा खर्च गुबारे हाँ हाँ तो अब उसे सरकार कहीं ऑर्डर से हाँ सौ पैसे जोड़ी गई तो रस के हाँ हाँ गुड वेरी गुड ख्याल का वक़ा अखबार हेलो हाफिज। मैं बताता हूँ, हम लोगों ने पिंजरा लिया है, न्यू पिंजरा ख़रीदा है। मैं आपको बताता हूँ पिंजरा वो पिंजरा लिया क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, मैंने कुछ दिन पहले नहीं काफ़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों को एक पिंजरा बताया था एक शॉप पे, तो उसी तरीके का पिंजरा है और उसी बंदे से मैंने ये बनवाया है पिंजरा। आप देख सकते हैं ये पिंजरा हमारे पास है, हमारे पास पिंजरा है। इसकी लंबाई है और चौड़ाई मैंने इसकी कम रखवाई है, वजह यह है क्योंकि हमारे जो गेट है ऊपर आने का वो काफ़ी कम है, तकरीबन 2.5 फीट का, जैसे मैंने 2 फीट की चौड़ाई रखवाई है इसकी। इससे मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से वो करवाई है, ये जो डंडा है ये जो मिड में लगा हुआ है ये वाला, ये मैंने खुद वो करवाया है। और इसमें मैंने हुक्स लगवाई हैं, देख सकते हैं आप लोग, क्या आप देख सकते हैं इस पर ये हुक लगवाई है मैंने, यहाँ से बता देता हूँ ये हुक्स हैं इसको, ये एक हुक है दूसरी, ये देख सकते हैं आप भी मैंने इस पर हुक्स लगवाई हैं, एक हुक है दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, ये पांच हुक्स लगवाई हैं मैंने। ये लगवाने का मतलब ये है मैं इस पर खुद जो है वो बनाऊँगा, इनके लिए घर वगैरह बनाऊंगा मैं ख़ुद यहाँ पे लगाऊंगा। और एक यहाँ पे पहले का बना हुआ है इनके पास, ये वाला घर काफ़ी खूबसूरत है ये वाला, और अंदर ये है दूल्हे वगैरह यहाँ पे, एक ये है और एक ये वाला हमारे पास है। ये प्लास्टिक वाले जो हैं ये दूसरे पिंजरे से मैंने उतार के यहाँ पर लगा लिए ऐसे ही, क्योंकि उस पिंजरे में मैंने खरगोश जो है वो शिफ्ट किए हैं।
ओके गाइस, अभी हम लोग ने पिंजरा तो ले लिया, अभी कुछ दिनों के बाद ना इस पिंजरे के लिए हम लोग बर्ड वगैरह लाएंगे, बजेस लाएंगे, और साथ में हम लोग फिंचेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस ना, तो वो हम लोग लाएंगे और इसमें हम लोग रखेंगे। और गाइस ये हमारे पोते, ये मोतिये का है प्लांट, ये साथ में वो कांटे वाला, और तीसरा वाला था वो याद है आपको, ये वाला। इस बेचारे का इतना बुरा हाल इसलिए हुआ है क्योंकि खरगोश ने एक दिन खरगोश खुले हुए थे, उन्होंने ये सारा खा लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये गंजा किया हुआ, लेकिन शुक्र है इसको पौधे को कुछ नहीं किया, बस पत्ते वगैरह खा लिए, यहाँ से दोबारा फिर निकल आएंगे। ओके गाइस, अभी हम मिलाते हैं आपको खरगोशों से। ओके गाइस, गाइस आप लोग बोल रहे होंगे यहाँ पे तो चार खरगोश थे, ये अभी तीन कैसे रह गए, ये तीन की तीन जो है ये फीमेल हमारे पास है, हमारे पास जो मेल जो था मैंने पहले जैसे कहा वो मर गया है ना, तो अभी ये तीन फीमेल है तो इनके साथ में एक मेल लाऊंगा बहुत जल्दी, ये भी बहुत ज़्यादा मैं इनको खोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने इनको ना पहले ये पेटी वाला है ना, ये पिंजरा था, ये इस तरीके में नहीं है, ऐसे लंबाई में था, मैंने अभी इसको ऐसे ही खड़ा कर दिया, लेकिन ये पहले लंबाई में था तो इसमें इनको रखा हुआ था, फिर मैंने कहा यार इसमें रख देता हूँ कुछ टाइम, तो ओके नज़दीक भी रहे और दूसरी बात ठंड भी बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं इनको खोलता हूँ थोड़े टाइम के लिए। इनको मैंने सुबह खाना डाला था, देखिए बाहर निकलने के लिए कितने ज़्यादा मचल रहे हैं। ओके गाइस, मैंने ये खोल लियो, ये निकलना शुरू हो जाएंगे अभी, देख सकते हैं। ये और ये हमारे पास जो रेबिट है इसने बच्चे दिए थे, 9 बच्चे दिए थे, लेकिन वो अलग बात है वो सारे मर गए क्योंकि इमेच्योर से। अब ये साग पड़ा हुआ है तो साग ये खा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। काफ़ी एक्टिव भी है, ये वाली बड़ी खूबसूरत है, इन सब में ये वाली बहुत खूबसूरत है। तो इसके बाल कितने होते हैं, यहाँ से आओ, ओह आ जाओ, आओ यहाँ से आ जाओ, आओ ना यहाँ से आओ, को लग रहा है मोबाइल कोई खाने की चीज़ है। पौधों की तरफ मत जाओ भाई, पौधों की तरफ मत जाओ, नहीं ये कांटे छोड़ दो इसको, माफ कर रहे भाई, क्या हो रहा है बॉयज? तो गाइस ठंड स्टार्ट हो गई है, हमारी गली के बच्चों ने बाहर आग लगा ली है, तो गाइस मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।